शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर प्राइमरी यूपी टेट के लिए ई-लर्निंग में दुर्गेश पर लाइव प्रतिदिन चलती है, जहाँ पे गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में निशुल्क क्लास आपको लाइव मिलती है। आप सभी अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में प्रमुख वो संसद के मंत्रिपरिषद होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही प्रमुख संवैधानिक जो पद होता है उनको हम लोग पढ़ेंगे, और यह आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि यह सीरीज आपके जीवन की ऐतिहासिक होगी, और यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो हूबहू आपकी परीक्षा में आएंगे। जैसे क्लास में जुड़िएगा, आप सभी इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर करते रहिएगा, साथ ही साथ आप अपना फीडबैक जरूर देते रहिएगा। और जो भी साथी इस भाई बहन मित्र जोड़ रहे हैं, उन सभी को जय हिंद। अपने जिले के नाम से शुरुआत करिएगा, अपने कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि ये समझ में आए ई-लर्निंग विद दुर्गेश की ये शिक्षक भर्ती सरकारी शिक्षक बनाने का जो देश है वो कितना हद तक सफल रहा है। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट, आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकपाल संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई, और शिक्षक भर्ती के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यह संस्था जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से निःशुल्क प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलती है। देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई थी, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों ने दिया है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, यह होगा प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति जो थी उसने सबसे पहले लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी, इसलिए दिए गए उपयुक्त प्रश्न का जो विकल्प होगा वह ए का राइट आंसर है। जिस प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, ये क्लास 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इसे हम IAS कहते हैं, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस, ठीक है, भारतीय विदेश IFS, भारतीय वन, ये भी है IFS। देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेवा में नहीं सम्मिलित किया गया है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। जी हाँ, ये गलत है, क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, यह तीनों अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित की गई है। इन तीनों सेवाओं का गठन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत किया गया, जबकि भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा के रूप में वर्गीकृत नहीं है, इसे बाद में शुरू किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प आप सी को सही करेंगे, क्योंकि जो गलत है वही सही है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए है, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रायः आप लोग गलती कर देते हैं, लेकिन भविष्य में आगे गलती मत करिएगा। आप लोग से निवेदन है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है और एक एक पॉइंट आपके सिलेक्शन का आधार बनता है। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले में दिख रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा के कर्मियों को क्या करता है, बर्खास्त करता है, आसन करता है, चयन करता है, नियुक्त करता है। संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम UPSC के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, हम इसे UPSC के नाम से जानते हैं। जी हाँ, इसे हम लोग कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जी हाँ, जिससे जो IAS, IFS, IPS की जो परीक्षा कराती है उसे हम UPSC के अंतर्गत रखते हैं, UPSC। जी हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या होती है, जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा में क्या होता है, बर्खास्त होता है, निर्वाचन होता है, चयन होता है, नियुक्ति होता है। जैसे पूछ दिया जाए कि जो सुपर टेट है, जो सुपर टेट है, इसमें क्या होता है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, बर्खास्त नहीं होता, निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति नहीं होता, चयन होता है, और सभी चयनित साथी जो हैं उनको हम चयनित साथी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न का जो आपके सामने प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, वह इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वे सभी साथी सबसे पहला काम लाइक करने के बाद शेयर जरूर कर दें। आपसे निवेदन है, जिस जिले से आप हैं, अपने सभी जिले के ग्रुप में अपने तैयारी करने वाले साथी मित्रों को शेयर करिएगा, और ये आपसे निवेदन है, लाइक भी कर दीजिएगा हो सके तो। अगला प्रश्न आपके सामने है,
कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है, सभी साथी मित्र फटाफट कमेंट करके बताएंगे कोई नई अखिल भारतीय सेवा कैसे शुरू की जाती है, क्योंकि मैंने इसे बताया है यह राज्यसभा का एक प्रमुख शक्ति है, राज्यसभा की एक शक्ति है, यह हमने पढ़ाया था। जो भी साथी मेरी क्लास को रेगुलर ले रहे होंगे यकीनन वह इस प्रश्न के उत्तर दे लेंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी। जी हाँ अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। टीटू जी लगे रहिए, लाइक करें ना करें, शेयर करें ना करें, लेकिन सिलेक्शन जरूर लेना है सभी साथियों को। देखिए कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है, आइए इस बारे में हम लोग बात करते हैं। ये भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 312 के अंतर्गत किसकी शक्ति है, ये राज्यसभा की शक्ति है। माने किसी भी अखिल भारतीय सेवा का प्रारंभ राज्यसभा द्वारा किया जाता है। यदि राज्यसभा में उपस्थित मानने वाले सदस्यों में कम से कम दो तिहाई सदस्य यदि यह घोषित कर दे कि राष्ट्रहित में अखिल भारतीय सेवा का सृजन आवश्यक है, तो संसद कानून द्वारा संघ और राज्य के लिए सम्मिलित या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवा का सृजन के उपबंध कर सकती है। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प सी का राइट आंसर होगा। जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं और एक एक करके अपने तथ्यों को पढ़ते रहते हैं और अपनी बेस्ट देते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, अधिकारी वर्ग है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी वर्ग है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं निम्नलिखित में से अधिकारी वर्ग कौन सा है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का एकदम आसान सा जवाब है कि अधिकारी वर्ग केवल प्रशासनिक वर्ग, केवल न्यायिक वर्ग, केवल विधायी वर्ग। प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य करने वाला सभी व्यक्ति यहाँ पर क्या है, अधिकारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अधिकारी तात्पर्य क्या हो जाएगा, अधिकारी का तात्पर्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति या अस्थायी कार्यपालिका से है, जिसका प्रमुख कार्यनीतिक कार्यपालिका दायित्व का निष्पादन करना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न का उत्तर जो होगा राइट आंसर होगा। जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं, डी वालों का उत्तर राइट आंसर होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न की तरफ। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आपसे एक निवेदन है, वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर जरूर करिएगा। आज की क्लास आपके जीवन की ऐतिहासिक क्लास होगी, इससे बाहर आपके परीक्षा प्रश्न नहीं आएगा। सरकारी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, इतनी मदद क्या करिए, कर भला तो हो भला। यह वीडियो फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब चैनल इलर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव चलता है। देखिए संघ लोक सेवा आयोग किसी सदस्य को हटाया जा सकता है, माने यूपीएससी के किसी भी सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है, सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत हो जाए परीक्षा हाल में गलती नहीं करना है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों लगे रहिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं। बताइए जितने लोग लाइव हो उतने लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, पता इससे क्या समझ में आता है, आप भला तो जग भला, आपको अच्छा मैटर मिल जा रहा है, बस आप लाइक क्यों करेंगे, शेयर क्यों करेंगे। देखिए यहाँ पर एक बात आपको जानना होगा कि संविधान का जो अनुच्छेद 317 है, ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 317, ये लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके अन्य सदस्य को कदाचार के आधार पर, इसके कदाचार के आधार पर, कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसे हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा ये उच्चतम न्यायालय माने यस्सी द्वारा निर्देशित, किस अनुच्छेद में पता है, ये 145 में, जो 145 में निर्देशित किए गए हैं उस विहिप प्रक्रिया के आधार जांच करता है। जांच करने के बाद यदि दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का विकल्प जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ऐसे आप लोग लगे रहिएगा क्योंकि आप लोग अगर अपना बेस्ट देंगे सिलेक्शन झकमार के आपके कदमों में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवा की एक विशेषता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए ऑनलाइन क्लास या नोट संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। इलनी में दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, ये क्लास जौनपुर जनपद से पूरी तरह से निःशुल्क चलता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न जो आपके सामने दिया गया है, उस प्रश्न की चलिए हम लोग व्याख्या करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, दिए गए विकल्पों में पक्षपात, पक्षपात नहीं होगा, अस्थायी राजनीतिक कार्यक्रम जी नहीं, तटस्थता एवं निष्पक्षता जी हाँ, इसका एकदम महत्वपूर्ण बात यह होगा कि तटस्थता निष्पक्षता भारत में सिविल सेवाओं की एक विशेषता है, जबकि सिविल सेवा की विशेषताओं में नहीं आते क्या अस्थायी राजनीतिक कार्यकारी, पक्षपात, पक्षपात हो ही नहीं सकता, इसलिए थोड़ा जाएंगे आप जान जाएंगे, जब पक्षपात नहीं होगा ये भी नहीं होगा, वो तटस्थ होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल है? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी फटाफट कमेंट करें। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 316 के अंतर्गत किया गया है, माने यूपीएससी के जो सदस्य हैं, यूपीएससी के जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल है, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 316 में है। क्या आप लोग चाहते हैं ये क्लास की संख्या 1000 के पार हो लाए? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके थोड़े से सपोर्ट से ये संख्या 1000 से पार पहुंच सकती है? कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा बटन क्लिक करना है, लोगों तक इस मेहनत को पहुंचाना है बस। चलिए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को जो पद का कार्यकाल होता है वो कितना होता है? देखिए चाहे 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष, जो इसमें से पहले आएगा वह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मतलब जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उनका जवाब पूरी तरह से सही है। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं साथी फटाफट कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सरकारी नौकरी करनी है, तो गलत या सही जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पर ये 6 वर्ष की उम्र या 65 वर्ष की उम्र, लेकिन अगर हम राज्य या राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें, राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की बात करें, जैसे यूपीपीएससी अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर 62 वर्ष है। क्या है, यहाँ पर 62 वर्ष है, यह बात याद रखिएगा। जैसे यूपीपीएससी हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, ठीक है। हाँ कमेंट आपके हम लास्ट में पढ़ेंगे, कमेंट देखने का मतलब आपका नाम लेना होता है, तो नाम हम नहीं लेते हैं, ठीक है। नाम लेने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि टाइम पास होगा, अभी हमें केवल सिलेक्शन की बात करनी है, इसलिए मैं आपका नाम नहीं लूंगा, जिनको नाम न लेने में बुरा लगता है उनके लिए माफी, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ, इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही यूनिक प्रश्न है, कि संविधानेतर या असंवैधानिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, चाहे जिस शिक्षक भर्ती की बात करें आप, जो मेरे प्यारे शिक्षक साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे जरूर इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके, कमेंट के माध्यम से देंगे। मेरा उम्मीद है कि आप सिलेक्शन के लिए जरूर पहुंचेंगे, बहुत ही सही है। सभी लोग फटाफट कमेंट जरूर करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी साथी कौन सा निकाय संविधानेतर या असंवैधानिक है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए यहाँ पे जो आपके सामने प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न का जवाब क्या होगा, आइए देखते हैं उस प्रश्न का जवाब आपके लिए क्या होगा, कोई बताएगा? योजना आयोग, योजना आयोग, रट्टा मार दीजिएगा, इसका नाम अब नीति आयोग हो चुका है। क्या हो गया है, नीति आयोग हो चुका है, जी हाँ, कब से, 1 जनवरी 2015 से। पहले इसकी स्थापना योजना आयोग की कब हुई थी, योजना आयोग एक संवैधानिक बंध द्वारा नहीं किया गया है, वित्त आयोग है, लोक सेवा आयोग है, चुनाव आयोग है, योजना आयोग नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, ठीक, चलिए कोई बात नहीं, नोट्स बनाते रहिए, साथ में लिखते चलिएगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है,
पीएम होता है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जो लोग सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए हैं वे सभी जरूर जवाब दीजिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। चलिए कोई बात नहीं श्याम जी, आप नोट्स बनाते रहिए, कमेंट मत करिए, क्योंकि आप नोट्स बना लेंगे पूरे जीवन आपके काम आएगा। लाइव बनाइए, वीडियो को बाद में बनाइए। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपना बेस्ट देते रहिए, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, फटाफट कमेंट करके बताइए। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए योजना आयोग की अगर स्थापना की बात की जाए तो 1950 में की गई थी। कब की गई थी, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में आर्थिक नियोजन के लक्ष्य को पाने के लिए एक संविधानेतर संस्था जिसको 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, जिसने भी सारे नोट्स बनाए हो वो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर व्हाट्सएप कर देगा। मेरा व्यक्तिगत नंबर है, केवल व्हाट्सएप करिएगा 9806701777। जो भी नोट्स पूरा मेरा बना रहे हो वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। जिनके नोट सबसे बेहतर होंगे उन्हें हम अपने फेसबुक पेज पे डलवा देंगे लेनी भी दुर्गेश के, या तो टेलीग्राम पे डला देंगे। ठीक है, क्योंकि आप उस नोट्स पर अपना नाम और इन लेनी भी दुर्गेश का नाम या मेरा नाम भी जरूर लिख दीजिएगा और वह नोट सभी साथियों तक पहुंच जाएगा। भारत का योजना आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है, एक सांविधिक निकाय है, एक असांविधिक निकाय है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, मुझे कॉल मत करिएगा। अच्छी है, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता। जी क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज राइट आंसर। भारत का योजना आयोग क्या, सभी फटाफट जरूर कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, कि जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए यहां पर प्रश्न का उत्तर होगा, यह एक असंवैधानिक निकाय है। ऊपर मैंने बताया यह एक प्रकार का असंवैधानिक निकाय है, इसलिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि मैं बार बार बताता रहा हूं कि यह एक संविधान द्वारा नहीं स्थापित किया गया है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न आपके परीक्षा में फिक्स हो जाएगा। जब भी परीक्षा हॉल से बाहर निकलेंगे आप जरूर याद करेंगे कि लर्निंग विद दुर्गेश की क्लास आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंध द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। ये ऊपर मैंने भी बताया था, अब हमें ये देखना है कौन सा इस प्रश्न का सबसे सही जवाब देगा। जी हां मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। 9:30 बजे क्लास लाइव चलती है, सभी लोग 9:30 बजे लाइव आ जाया करिए। 9:30 बजे जौनपुर जनपद हिंद से क्लास चलती है, सभी टाइम से लाइव आ जाया करिए। देखिए यहाँ पर योजना आयोग होगा, मैं बार बार बताता रहा हूँ कि यहाँ पे जो गलत है वही सही होगा, बाकी सभी क्या है, एक संवैधानिक संस्था है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी फटाफट कमेंट जरूर करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथी, सभी लोग कमेंट करें। देखिए टेलीग्राम पे इसकी नोट्स भी मिल जाएगी, दुर्गेश सर सर्च करके इलर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाएंगे, और डेली क्लास 9:30 बजे निःशुल्क चलती है। इसके अलावा अन्य सभी क्लास, टेट, सीटेट, सुपर टेट, सभी आ जाएंगे, नोट्स, क्लास, सब कुछ यहाँ मिलता रहेगा। यार एक बार और जोर लगा के शेयर कर दीजिए, एक बार और जोर लगा दीजिए आप लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं। पता है जितने लोग लाइव हैं उतने लोगों ने लाइक नहीं किया है, जितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया है भगवान करें आप लोग हर एक प्रश्न का उत्तर सही बताते चले। चलिए, अपने अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है, भारत का महान न्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, गलत, मुख्य न्यायवादी, ये नहीं, इन दोनों में से कौन होगा। देखिए महान न्यायवादी अपने कर्तव्यों के पालन हेतु भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकारी होता है, लेकिन महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी, भारत की महान न्यायवादी की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा, ये क्या हो गया, अनुच्छेद 76 द्वारा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, भारत का महान्याय, भारतीय संविधान अनुच्छेद 76, भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल, संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत,
88 कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, उसे संबोधित करने का भी अधिकार है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। वह क्या कर सकता है? केवल मतदान नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णित है। अनुच्छेद 76(3) में एक बात याद रखिएगा, अनुच्छेद 76(3) में यह कहा गया है कि भारत का महान न्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, भारत के सभी उच्च न्यायालयों में सुनवाई कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, एकदम याद रखिएगा कि भारत का महान न्यायवादी भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। अनुच्छेद 76(3) में कहा गया है, 88 में यह कहा कि मंत्रियों के साथ संसद में हिस्से में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, जबकि अनुच्छेद 76 में कहा गया है भारत का एक महान न्यायवादी होगा। क्या सबको समझ में आ गया? बताइए जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्या सबको बताइए, सभी लोग सबको समझ में आ गया? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, आपकी मर्जी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत के महान न्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? एकदम यूनिक प्रश्न है, मैं चाहूंगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। बताइए सभी लोग कमेंट करके। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। अगर कमेंट में कोई भी व्यक्ति कोई प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब आप लोग दे दिया करें, अगर आपको पता रहे, जिसको भी अगर कोई प्रश्न का जवाब पता रह करे तो कमेंट में उनका जवाब दे दिया करिए। बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके, जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी मित्र। देखिए यहां पर भारत के महान न्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में, भारत के किसी भी विधि न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। अभी मैंने बताया संविधान के अनुच्छेद 76(3) में इसका वर्णन है। जी हां ठीक है, भी अनुच्छेद 76(3) के तहत भारत का महान न्यायवादी सुनवाई कर सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कहा जाता है? याद करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। देखिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल करता है। लेकिन निम्नलिखित में से भारत सरकार का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट करो, लाइव देख रहे हैं सभी साथी गलत या सही जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग यार टेलीग्राम पे जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, भारत का महान न्यायवादी में रट्टा मार लीजिए अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह क्या होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत विकल्प होगा वह शीर्ष का राइट आंसर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, तो आप लोग ऐसे जुड़े रहिएगा, अपना बेहतर देते रहिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है, जर्भ हो। अगला प्रश्न है आपका, भारत के नियुक्ति कौन करता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए ऑनलाइन से संबंधित या क्लास हो या नोट्स हो अगर कर सकते हैं, मेरी क्लास पूरी तरह से आपको निशुल्क मिलती है, प्रतिदिन रात 9:30 बजे। इसके अलावा अन्य भी क्लास होती हैं, वो सभी का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। तो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। आज यार आप लोग बहुत कम संख्या है, पता नहीं क्यों, पढ़ाने में कोई कमी है क्या? मैंने कहा केंद्र में अगर कोई नियुक्ति है, अगर आप ऑप्शन में राष्ट्रपति दिया है, तब आंख मूंद कर राष्ट्रपति लगा दिया करिए, ज्यादातर उत्तर हमेशा सही होगा।
कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, एकदम सही जवाब है आपका, राष्ट्रपति। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग अपना बेस्ट देते रहिएगा। ठीक, अनुच्छेद 76(1) में कहा गया है, अगला प्रश्न आपके सामने है, देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। एकदम इंपॉर्टेंट है, यूनिक प्रश्न है, लेकिन आप जवाब जरूर दीजिएगा। प्रश्न इसको पहले आपने पढ़ लिया है, लेकिन इसको सभी साथी फटाफट बताइए। सभी साथी देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कौन देता है। सबसे पहले सभी लोग जवाब दीजिएगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो, सभी साथियों को जवाब देना अनिवार्य है। जो नोट्स लिख रहे हैं उनको छोड़कर जितने लोग केवल पढ़ने आते हैं वे सभी इस प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए आइए हम इस बात पर चर्चा करते हैं, इस बात पर बात करते हैं। देखिए, देश में जो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है, आइए उसके बारे में। कुछ लोगों ने सही बताया है, कुछ लोगों ने भी गलत बताया है, इसीलिए मैं कहता हूं शेयर करिए। अगस्त को हुआ था 1952 में, यह योजना आयोग की जो योजना है अंतिम से अनुमोदित करती है। अब इसका नाम नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करता है, माने राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति क्या करता है, हस्ताक्षर करता है, तब जाकर यह प्रकाशित होता है, तब उसका प्रकाशन होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया सभी लोग को? ठीक है नीलू जी, बहुत बहुत धन्यवाद लगा के। अब मैं सभी साथी क्लास ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी ये गठन 6 अगस्त 1952 को की गई थी, 1952 को की गई थी, यह योजना आयोग द्वारा तैयार की गई है। यह पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदित करती है। अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद यह सरकारी योजना बन जाती है। यह कौन सी योजना बन जाती है, सरकारी योजना बन जाती है, और फिर उसका प्रकाशन होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग ऐसे लगे रहिएगा। अगला, केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है, ये मैंने ऊपर पढ़ाया है, बस प्रश्न की भाषा बदली है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी मुख्य कानूनी अधिकारी होता है। ठीक, सार्वजनिक पर्स का संरक्षण भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहलाता है। राज्य लोकसभा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आइए यहां पे हम लोग देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, केंद्र सरकार का सिविल अधिकारी कौन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर, आप लोगों ने बहुत लोगों ने गलत दिया है, मंत्रिमंडल का सचिव होता है। केंद्र सरकार उच्चतम सिविल अधिकारी मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट सचिव होता है। क्या होता है, मंत्रिमंडल, या सभी लोग लिख लीजिएगा, कैबिनेट सचिव होता है। लेकिन जो महान्यायवादी होता है, यह पता है क्या होता है, यह मुख्य कानूनी अधिकारी होता है। यह जो होता है मुख्य कानूनी अधिकारी होता है, लेकिन उच्चतम सिविल अधिकारी जो होता है वो मंत्रिमंडल सचिव या कैबिनेट सचिव होता है। क्लियर हुआ, जितने लोग का गलत हुआ वो याद रखिए जी, सभी साथी लोग बात को ध्यान रखेंगे, भविष्य में ऐसी गलतियां मत करिएगा। ठीक है, समझ में आप लोग को? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। ठीक, देखिए, केंद्र सरकार को उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट। इसलिए बी होगा, क्या होगा, बी होगा। कुछ लोग
लोगों ने इसकी को महान, लेकिन नहीं, महान न्यायवादी नहीं होगा वो, कैबिनेट सचिव या मंत्रिमंडल सचिव होगा। क्लियर हुआ? कुछ लोग गलती यहां करिएगा, परीक्षा हाल में गलती मत करिएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी करनी है, सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, लोग हवा बना के रखे हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक के रूप में काम करता है? सभी कमेंट करें। देखिए, भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, इनकी लेखा जोखा संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके एक लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में काम करता है? सभी साथी फटाफट कमेंट कर बताइए। देखिए, भारत के महानियंत्रक और परीक्षक को एक नाम से जानते हैं, पता है किस नाम से जानते हैं? सार्वजनिक, इसे कहते हैं, इसका उपनाम है सार्वजनिक पर्स संरक्षक, सार्वजनिक पर्स का संरक्षक, ठीक, के नाम से इसे जाना जाता है। ये आप लोग जानते रहिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आता है, बहुत लोग गलती कर देते हैं। ये नियंत्रक संसद की लोक लेखा समिति से जुड़ा होता है और अपनी लेख जो लेखा जोखा होता है, इसकी रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को देता है। डॉक्टर अंबेडकर अनुसार भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, अंबेडकर के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक को माना था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एकदम वीडियो साफ चल रहा है, अगर किसी में कोई दिक्कत हो तो एक बार ध्यान से देख लेगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। सबसे पहले कौन देता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। आज मुझे देखना इस प्रश्न का सबसे सही करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो, जवाब आपको जरूर से देना है। सभी साथियों, प्यारे शिक्षक साथियों, जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन। ये प्रश्न अगर परीक्षा में आएगा तो क्या उत्तर लगाएंगे आप लोग? चलिए देखिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी का राइट आंसर होगा। जो पहले हो माने नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है, वो चाहे 6 वर्ष हो या 65 वर्ष, जो पहले होगा वही यहां पे माना जाएगा। क्लियर? किसी के मन में कोई डाउट, किसी के मन में कोई समस्या, किसी के मन में कोई सवाल, तो जरूर पूछिए कमेंट करके। सभी साथी हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये वीडियो फेसबुक पेज पर, यूट्यूब पर, दोनों पर लाइव चल रहा है, ठीक है। चलिए, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? सेम प्रश्न है, थोड़ा सा भाषा चेंज है। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका वर्णन भारत के संविधान अनुच्छेद 148 में, कहां पर है, अनुच्छेद 148 में इनका वर्णन किया गया है। कहां पे? अनुच्छेद 148 में इनका वर्णन किया गया, ठीक है। ये वेतन शर्तों का निर्धारण संसद द्वारा भी किया गया है, सीएजी के नाम से नहीं जानते हैं, आगे इसके बारे में लोग पढ़ाएंगे। अगर इनकी उम्र सीमा की बात करें तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले होगा, ऊपर जस्ट मैंने अभी बताया था, ठीक। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए, इसकी नियुक्ति का जो प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद 148(1) में दिया गया है। तो सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प क्या होगा, यहाँ पर उपयुक्त उत्तर क्या होगा। सभी साथी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, ठीक। बताइए फटाफट कमेंट करके। एकदम वीडियो साफ चल रहा है, वॉइस एकदम साफ आ रही है, कि मैं बगल में वीडियो ऑन करके रखा हूं, प्ले करके, जहां पे मैं आपके कमेंट देख रहा हूं।
चलिए ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति केंद्र की कोई भी नियुक्ति आ जाए, अगर राष्ट्रपति ऑप्शन में क्लिक करिएगा 90% आपका सही होगा। राज्य में राज्यपाल 80% सही होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जरा कमेंट करके बताइएगा कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। जो भी मेरे पैरे शिक्षक साथी हैं कमेंट करके बताएं, सभी लोग बताएं मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी एक बार कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, मंत्रिपरिषद, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे मंत्रिपरिषद। देखिए अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे तो फिर हमारे पढ़ाने क्या मतलब। आइए देखिए, मंत्रिपरिषद जो होता है, ठीक है, ठीक, चलिए आइए इस प्रश्न पर हम लोग बात करते हैं और इसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री की जो बैठक होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है वो कौन निष्पादित करता है? प्रधानमंत्री करता है। कौन? प्रधानमंत्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है क्योंकि वो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष है। अगर राज्य मंत्रिपरिषद होता, यहां पर अगर प्रश्न में राज्य मंत्रिपरिषद होता, क्या राज्य मंत्री परिषद होता, तब इसका उत्तर मुख्यमंत्री होता, तब इसका उत्तर क्या होगा? मुख्यमंत्री। लेकिन यहां पे केवल मंत्रिपरिषद है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर प्रधानमंत्री राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर प्रधानमंत्री बताया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक, उन सभी का जवाब क्या है? पूरी तरह से सही है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां पर आपके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना? चलिए बहुत अच्छा लगा, आप लोग ऐसे ही लगे रहिए क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? चाहे भारत का प्रधानमंत्री होता, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री होता, मुख्यमंत्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सभी साथी जवाब देंगे। देखिए ऑनलाइन क्लास से संबंधित कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजहन से निःशुल्क आपके लिए संपादित की जा रही है, जहाँ पे मैं आपको एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में प्रतिदिन रात 9:30 बजे शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा विविध GS के सामान्य अध्ययन की एक बड़ी सीरीज आपके लिए आती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस सीरीज का आनंद लेंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कॉमेंट करके। देखिए यहां पर 18 वर्ष ये मतदाता की उम्र होती है, 21 वर्ष पंचायती चुनाव की, 35 वर्ष राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। ठीक, क्लियर हुआ? 25 वर्ष इस प्रश्न का राइट आंसर। सोचिए मैंने चारों विकल्प की व्याख्या कर दिया, लेकिन मैं आपसे छोटा सवाल पूछूंगा, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है जरूर कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो भी साथ वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग ऐसे जुड़े रहिएगा, अपना बेस्ट देते रहिएगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत अच्छा लगा, एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कंप्यूटर से अगर आपने PDF बनाया है तो हम तक पहुंचा दीजिएगा। अगला है आपके सामने, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। एकदम हलवा वाला प्रश्न है। मैंने आपको बताया था जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका नाम बदलकर नीति आयोग किया गया कब? 1 जनवरी 2015। नीति का फुल फॉर्म एक बार जरूर बताइएगा। देखिए
भारत सरकार ने योजना आयोग का नाम बदल दिया और इसका उत्तर क्या होगा प्रधानमंत्री? एकदम आसान उत्तर है कि भारत के योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। यह बात आप लोग जानते रहिएगा, यह बात आप लोग पूरी तरह से एक बार की रट लीजिए, ठीक है? जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं एक बार आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिलेक्शन भी तो लेना है आपको। क्या करना है? आपको सिलेक्शन लेना है, और भैया सिलेक्शन लेने के लिए इन तथ्यों को समझना पड़ता है, ठीक? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित है किसमें? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए देखिए इस प्रश्न का सभी लोग को जवाब देना है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां कहां पर है, ठीक है? देखिए अवशिष्ट माने बची हुई शक्तियां किसमें है, सभी साथी बताइए। जो लोग वीडियो को राइट देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें बताएं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज राइट आंसर। सभी साथी फटाफट कमेंट करें और जवाब जरूर दें, क्योंकि आपका जब जवाब देते हैं ना सारे तथ्य सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बताइए फटाफट कमेंट करके क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। देखिए अवशिष्ट शक्तियां जो है वह केंद्र सरकार में, आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार में निहित है, क्योंकि जो संविधान का अनुच्छेद 248 है, संविधान का अनुच्छेद 248 ये कहता है कि अवशिष्ट शक्ति अर्थात ऐसा विषय जो संघ सूची राज्य समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, जो संघ सूची में ठीक या राज्य सूची में या और समवर्ती, अगर समवर्ती इन सूचियों में शामिल है, इन विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, विधानसभा के पास नहीं है, विधानमंडल के पास नहीं है। इसलिए जो ये प्रश्न है इस प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा वह ए इसका राइट आंसर होगा। जो भी विधि, ध्यान दीजिएगा ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भारत अवशिष्ट शक्तियां क्या है, जो केंद्र सरकार में, ध्यान दीजिएगा, जो राज्य सूची में, केंद्र संघ सूची में, समवर्ती सूची में जिसका वर्णन नहीं है, उस पर अगर कानून बनाना हुआ तो कानून बनाने का जो काम होता है वो केंद्र सरकार में होगा। माने बची हुई शक्तियां अवशिष्ट शक्तियां जो होती हैं वो कहां पर है, वो सभी केंद्र सरकार में नहीं थे। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच, संसदीय में प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, संसदीय सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, कौन होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग फटाफट बताइए। देखिए यह जो शब्दावली है ये किसने किया था पता है? लॉर्ड मार्ले ने किया था। किसने? एक शब्द कहा था लॉर्ड, यहां पे ना लिखे नीचे लिखे ना, क्योंकि हो सकता है फेसबुक पे जो लाइव देख रहे होंगे उनको नहीं दिख रहा होगा। लॉर्ड मार्ले, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, लॉर्ड मार्ले, हाँ लिख लीजिएगा, लिख लेंगे, लिख दें हम इसे, कहीं कहीं किसी किताबों में मिलता है लॉर्ड मोरले, इसके कहीं कहीं आपको ये ना मिलता, कहीं ये ना। इसने कहा था प्रधानमंत्रियों को समकक्षों का प्रथम कहा था, क्या कहा था? समकक्षों का प्रथम, समकक्षों का प्रथम किसको कहा था? पीएम को कहा था, ठीक है? किसको? प्रधानमंत्री। आइए इसके बारे में जानते हैं। जो प्रधानमंत्री होता है ये संसद होता है, एक मामूली सांसद होता है, लेकिन ये बहुमत दल का नेता होता है, ये मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है और कैबिनेट में सहयोग के लिए, परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होता है, उसका निर्णय भी स्वयं लेता है। इसलिए लॉर्ड मार्ले ने जो प्रधानमंत्री है उसको समकक्षों का प्रथम कहा था। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जो साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं समझ में आ गया, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करिएगा।
ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? प्रधानमंत्री, समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता, एक तरह से सांसद होता है, यह भी क्या होता है? इसको वेतन सांसद के बराबर वेतन मिलता है, सांसद के बराबर इनको वेतन मिलता है, इस कक्षों में प्रथम होता है, बस मंत्रियों में प्रथम होता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे क्या प्राप्त है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी कमेंट करके जवाब दीजिए। अनुप जी बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह आप लोगों के प्रश्न का जवाब देते रहिएगा, टॉपिक से हम लोग भटकने नहीं पाएंगे। विद्या मई कसम है, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक क्या होता है? सशस्त्र बलों का समर्थन प्राप्त हो, यह केवल पाकिस्तान में है, यह पाकिस्तान में माना जाता है। राज्यसभा का विश्वास, इससे कोई मतलब नहीं। जनता का समर्थन, ये तो जरूरी है, लेकिन लोकसभा का विश्वास, जितने लोगों ने प्रश्न का उत्तर सी बताया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है, क्योंकि जब तक उसे लोकसभा में विश्वास नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, मंत्रिपरिषद संविधान का अनुच्छेद 75 में है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद होता है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध यदि कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो प्रधानमंत्री समेत समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। समस्त मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। जी हाँ, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लेने के दुर्गेश को भी लाइक शेयर करके रखिएगा, ठीक है? समझ में आप लोग को? सबका उत्तर सही हुआ सी? सी सबका क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर देंगे, अगर परीक्षा हाल में होते तो इस प्रश्न का जवाब जरूर देते। देखिए डेली क्लास के लिए जो लिंक है आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, दुर्गेश सर सर्च करिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, फेसबुक पर भी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, लेकिन फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग में दुर्गेश पर निःशुल्क क्लासेज और नोट्स आपको मिलते रहेंगे। मेरे भी इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं दुर्गेश सर के साथ, और ये सारी क्लासेज, वैसे ये क्लास जो चलती है शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की मैराथन क्लास, वो प्रत्येक 9:30 बजे चलती है, और ये 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। जौनपुर जनपद से क्लास चलती है, पूरी तरह से निःशुल्क है। ध्यान से देखिएगा, अभी तक कुछ लोगों ने उत्तर गलत दिया है, आइए, कुछ लोगों ने इसका उत्तर 5 वर्ष बताया है, 5 वर्ष भी सही है, लेकिन जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, अगर ये दोनों विकल्प में है, अगर यहां पर ये दोनों विकल्प में है आपका, क्या क्या 5 वर्ष भी है, यहां पे आपके दोनों विकल्प में है, 5 वर्ष भी है, और जब तक उसे बहुमत का समर्थन प्राप्त, उस दस सी करेंगे, 5 वर्ष नहीं करेंगे, अगर दोनों ऐसा विकल्प में है तब, अगर ऐसा दो है तो क्या करेंगे आप, अगर यह है तो क्या करेंगे उस दशा में, आप इस प्रश्न का उत्तर सी को करेंगे ना कि डी को, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप यहां पर सी, अगर यह उत्तर ना होता विकल्प में तब आप 5 वर्ष लगा सकते थे, ठीक, लेकिन जब तक उसे लोकसभा बहुमत प्राप्त हो, अगर सरकार गिर गई तो प्रधानमंत्री कार्यकाल, तब इसका कार्यकाल खत्म, सरकार गिर जाती है तो कार्यकाल क्या होगा, खत्म हो जाएगा। प्राय जब गठबंधन की सरकार होती है उस दशा में, जब गठबंधन की सरकार होती है उस दशा में दिक्कत सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। समझ में आया सभी को, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे थे, ठीक, क्योंकि मैक्सिमम प्रधानमंत्री कार्यकाल 5 वर्ष के पहले भी जब लोकसभा भंग हो जाएगी तो उसका कार्यकाल भंग हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ। सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम रट्टा मार लीजिएगा। चलिए T2 जी का प्रश्न आया है, यदि लोकसभा खत्म हो जाएगी तो प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, लेकिन अगर 5 वर्ष के पहले भी लोकसभा भंग हो जाएगी तो प्रधानमंत्री हट जाएगा, ठीक है,
प्राय जब गठबंधन की सरकार नहीं होती उस समय ये ज्यादा देखने को मिलता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? केंद्र और राज्य के संबंध के विषय में, किसमें? केंद्र और राज्य के विषय के संबंध में। तो आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है, ये गठन किया गया था केंद्र और राज्य का। ये जो गठन किया गया था, गठन ध्यान दीजिएगा, कब हुआ था? 1883 में, 1983 में। रिपोर्ट कब दिया था इसने अपनी? इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो 5 साल बाद आई थी, 1988 में रिपोर्ट आई थी। सरकारी आयोग जो गठन किया गया था वो 1883 में, 1983 में, और इसकी रिपोर्ट आई थी 1988 में, 5 वर्ष के बाद। क्लियर हुआ? किसी को डाउट है तो कमेंट करके पूछ ले, जिसको भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। कहीं भी किसी को किसी प्रकार का डाउट है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है ना, आपको सिलेक्शन जो लेना है, इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, गलत या सही सभी प्रश्नों का जवाब दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है। और इसी तरह आप लोग जुड़े रहिएगा, अपना बेस्ट देते रहिएगा, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला है, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसने संसद में मतदान के द्वारा अपदस्थ कर दिया था? संसद में मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था वो कौन था? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, सभी साथी फटाफट जरूर कमेंट करिए। जो लोग वीडियो को लाइव देख, देखिए क्लास के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, कौन सी क्लास कब चलती सारी शेड्यूल आपको यहां पर मिल जाएगी, डेली की डेली। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। देखिए यहां पर इस प्रश्न का अगर उत्तर जानने का हम लोग प्रयास करें कि प्रधानमंत्री कौन था जो संसद के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था, तो वो था बीपी सिंह। वो कौन थे? बीपी सिंह थे, ठीक है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये विविध की सीरीज है जीएस की, और सैटरडे और संडे करंट अफेयर की क्लास चलती है, तो सभी लोग जुड़े रहिएगा, 9:30 बजे अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा। भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे, जो भारत का प्रधानमंत्री है वो कैसे बनाया जाता है, एक बार कमेंट करके जवाब दीजिए कि भारत का प्रधान कैसे बनाया जाता है, बताइए कमेंट करके। सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव साथी करेंगे, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी एक बार कमेंट करिए, गलत ऐसी सभी को उत्तर देना है, बताइए। चलिए आइए हम इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। मैंने कोई पढ़ाया है प्रधानमंत्री होता या राज्य का मुख्यमंत्री? राज्य का मुख्यमंत्री, दोनों के लिए सेम प्रश्न होगा, प्रश्न उत्तर सेम होगा, बताइए। देखिए निर्वाचन, निर्वाचन क्या होता है? संसदों का होता है या संसद के सदस्यों का होता है, और बहुमत दल का जो नेता होता है उसकी नियुक्ति प्रधान कौन करता है? बहुमत दल के नेता की नियुक्ति राष्ट्र प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति करता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। चयन नहीं होता, मनोनयन नहीं होता। मनोनयन क्या होता है? अनुच्छेद 331 आंग्ल भारती, आंग्ल भारती कितने? 2 सदस्य, वो भी 104वां संविधान संशोधन के बाद बैन है, ठीक है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसकी? पीएम की, ठीक है। निर्वाचन सांसद का होता है, विधायक का होता है, राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, सांसद का होता है, लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का। क्लियर? किसी कोई डाउट? जो लोग यहां लाइव देख रहे हैं किसी कोई डाउट है, एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कि मेरा उद्देश्य आपका कहता है, चाहे वीडियो को शेयर करें ना करें, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल आपका सिलेक्शन है, बताइए एक बार, ठीक है। समझ में आ गया सबको? नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम की करता है, पीएम माने प्रधानमंत्री की। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। निर्वाचन निर्वाचित होकर आता है, नियुक्ति
राष्ट्रपति करता है बहुमत दल के नेता का। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। टीटू जी समझ आ रहा है ना, चलिए आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए, किसी भी क्लास की या नोट्स की जानकारी के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर बात करें, यहाँ से आपको जानकारी मिल पाएगी कि हम यहाँ पे एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में निःशुल्क आपको अपनी सेवा दे रहे हैं। और 9:30 बजे अन्य भी टाइमिंग है जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि टेलीग्राम पे लोग जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें मिलती रहे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे अनुच्छेद 75, 356 क्या है पता है? राष्ट्रपति शासन कहाँ पे? राज्यों में। 32 क्या है? 32 बताइए, मैंने पढ़ाया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कोई बता सकता है कि 348 क्या है? बताइए कमेंट करके, मैं सारा बता दे रहा हूं। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हाई की कार्यवाही किस भाषा में होगी? अंग्रेजी में होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझ में आ गया? किस भाग में है? 17, भाग 17 में है, याद रखिएगा। ये किसी कोई दिक्कत हो, कोई समस्या पूछ सकता है, ठीक, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ गया? सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, मैंने पूरा स्पष्ट रूप से बता दिया। अगर अब भी आपको समझ में ना आ रहा हो तो मेरा पढ़ाना बेकार है। राष्ट्रपति विवेक के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है जो से लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना हो, संसद किसी भी सदन में सदस्य न हो। फिर भी जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि सर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, कोई भी व्यक्ति यदि वह न लोकसभा का सदस्य है न राज्यसभा का है, ठीक है, वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर सदस्यता लेना अनिवार्य है, इसलिए उनकी नियुक्ति होती है। बिना निर्वाचित हुए भी कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, ठीक है, उसे 6 माह के अंदर, ठीक है, दोनों सदस्यता लेना अनिवार्य है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लीजिएगा, जो भी साथी चाहते हैं स्क्रीनशॉट जरूर कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपको व्याख्या कर दे रहे हैं, आपको पूरे YouTube चैनल पर ऐसी व्याख्यात्मक क्लास नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य है ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आए ना, लेकिन मैं जो पढ़ा दूं वहां से परीक्षा में जरूर आए, ठीक। इसके बाहर सुपरटेट में कहां से आएगा? मैं कोई चीज भी तो नहीं बना रहा हूं, ऐसी कोई चीज बाहर कर ही नहीं रहा हूं जो आपके लिए दिक्कत करे। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सभी साथी फटाफट कॉमेंट करके बताएं। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री गुजरात से हुए, सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री गुजरात से हुए हैं, बताइए कमेंट करके जल्दी जल्दी। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर है, ये पहले थे। सबसे ज्यादा उप प्रधानमंत्री गुजरात से हुए, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का सदस्यता कौन निर्धारित करता है? फटाफट कमेंट करके, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। देखिए,
केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की निर्धारित कौन करता है? एकदम आसान सा उत्तर होगा, भारत का राष्ट्रपति। क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति की जो विवेचता है वो 75 में होगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा और ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर धारण रहेंगे। कहाँ कहा गया है? 75(2) में कहा गया है कि सभी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर धारण करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, यहां से किसी को दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही अपना बेस्ट देते रहेंगे। मैं आप सारी क्लासेस पढ़ लीजिएगा, चाहे विविध की क्लास हो, चाहे आपकी ज्योग्राफी क्लास हो, पॉलिटिक की क्लास हो, सभी क्लास आपको क्रमवार ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, मेरा भी चैनल है बेसिक लर्निंग विद दुर्गेश, उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि मेरा चैनल है नहीं लेकिन मेरा उद्देश्य आपको सिलेक्शन की राह पर आगे ले चलना। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभारित की जाती है किसके द्वारा? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर अगर देखें तो यह अनुच्छेद 112 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये व्यय जो होता है, सभी साथी बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम बार बार पूछा जाता है, चाहे उच्च न्यायालय का पूछ दे। देखिए यहाँ पर, ये भारत का संचित निधि है। संचित निधि से किसी किसी वेतन भत्ते मिलते हैं राष्ट्रपति को भी, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, जिनका दायित्व भारत सरकार पर, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पेंशन, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, किसी भी न्यायालय मध्यस्थता अधिकरण निर्णय, इन सभी को संसद द्वारा विधि प्रकार की भारित घोषित किया गया है, जो विधि द्वारा। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही विकल्प है, उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सर मुझे जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आप मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने भविष्य के लिए पढ़ रहे हैं। आपको सरकारी नौकरी करनी है तो जिनको सरकारी नौकरी करनी है वो पढ़े, बाकी लोग जा सकते हैं। एक प्रश्न आया मिथिलेश जी का, अगर कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनना चाहता है, अगर वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और संसद के सदस्यता बनने की अर्हताएं रखता है लोकसभा या विधानसभा का, उसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या अन्य मंत्री, लेकिन 6 माह के अंदर उसे संसद या विधानसभा के सदस्यों की सदस्यता लेना अनिवार्य होता है, जिसका वो सदस्य हो, प्रधानमंत्री के लिए संसद और विधानसभा मुख्यमंत्री के लिए विधानसभा। यदि ऐसा नहीं कर पाता उसे उसकी मंत्री पद से हटा सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को और राज्यपाल मुख्यमंत्री को, ठीक है, मुख्यमंत्री अन्य मंत्री को। ठीक है, मंत्रिपरिषद मैंने पढ़ाया है, जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लास में जुड़कर पढ़े होंगे उनको ये पता होगा मैंने मंत्रिपरिषद पढ़ाया है। ठीक, इसलिए प्रश्न का उत्तर आपको पता हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? कमेंट करके बताइएगा जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? आप लोग सरकारी नौकरी जो करना चाह रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, इससे आपके पढ़ने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा, आप अपने लाभ के लिए पढ़ रहे हैं। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, तो जिनको जाना है वो जाए, सोने दीजिए, क्योंकि आपको पता है ना कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 4,00,000 आवेदन हुए थे। कितने? लेकिन सिलेक्शन कितने का हुआ? केवल 69 का हुआ, मतलब अभी भी 310,00,000 नौकरी, मतलब ये सोने वाले हैं, आप कल्पना कर सकते हैं इसमें कौन सोने वाला है और कौन जागने वाला है। 68,500 में 1,00,000 आवेदन हुआ था, लेकिन 45 की को नौकरी मिली, मतलब बाकी क्या थे? सोने वाले थे, जागने वाले? ठीक है, तो बताइए राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, जी राइट आंसर। ठीक है, तो पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको अपना जगह बनाना जरूरी है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री,
अगला है राष्ट्रीय एकता परिषद NIC की अध्यक्षता कौन करता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए। जो लोग वीडियो को लाइक देगा सभी साथी फटाफट कमेंट करके, क्योंकि देखिए आपकी संख्या लगातार कम हो रही है। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सभी लोग जुड़े रहिएगा। ये क्लास जौनपुर जनपद से संचालित की जाती है। मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में आपको निःशुल्क प्रतिदिन लाइव क्लास देता हूँ, ताकि आप अपने जिले में अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके और एक सरकारी शिक्षक बन सके। बाकी आपकी इच्छा, वीडियो को लाइक करें ना करें, शेयर करें ना करें, वो आपकी इच्छा पे है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। सभी लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, और जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। साथ ही मेरा भी यूट्यूब चैनल है बेसिक लर्निंग विद दुर्गेश। इंस्टाग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके, फेसबुक पेज है दुर्गेश अशोक जायसवाल, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ भी यूजर हैं आप। बाकी आपकी इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, लेकिन आप इस प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर जवाब देंगे। भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। भारतीय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आज की क्लास कैसी लगी? एक लाइन में अगर आपको कहना हो तो क्या कहेंगे? ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। इस प्रश्न का पहले मैं उत्तर बता दूं, ये प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता परिषद का अगर गठन पूछा जाए, इसका गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1961 में हुआ था। कब? 1961 में, अक्टूबर में शायद हुआ था, सितंबर से अक्टूबर माह में हुआ था। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि समस्याओं को निपटाने के लिए इसका गठन किया था। लेकिन इसकी प्रथम बैठक, इसकी जो प्रथम बैठक थी कब हुई थी, किसी को पता है? जून 1962 में हुई थी। तो इस बात को आप लोग जानते रहेगा, इसका जो अध्यक्ष होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, जितने लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइव देखा है। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं, आप सभी लोग जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है, वो सभी अगली शिक्षक भर्ती में उनका एक स्थान फिक्स हो। जितने लोगों ने वीडियो को ऑनलाइन किया है, ईश्वर करे उनकी बुद्धि, विवेक, उनका ज्ञान ऐसे ही बना रहे, और ये सारा ज्ञान उनको मुबारक हो। और बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, क्या अपने साथियों को आप इस क्लास के बारे में बताएंगे? 9:30 बजे की, अन्य क्लासेस भी चलती हैं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, लगातार क्रमवार चलती हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। चलिए, कल्पना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूजा जी, एकता जी बहुत बहुत धन्यवाद, तरुण जी कह रहे हैं गहराई मत जाओ, क्योंकि देखिए लगातार परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है और लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है गहराइयों में, इसलिए हमें गहराई पढ़ना पड़ेगा। रेणू जी, दीपिका जी, जितेंद्र, अब्दुल कमर, राज गुप्ता, शबनम, पूजा, अवनेश, कल्पना, अंकी, अनिल, मंजू, एकता, सुधीर, राज, विनोद, शक्सी, अक्षांत, बहुत बहुत धन्यवाद। सविता, सूरज, पारुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकिता पांडे जी, अनिता मौर्य, श्याम, शंपेश, पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। रतन तिवारी, रत्नाकर तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुज, अमित यादव, सीटू, दीपिका और समरिका, कल्पना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, चलते हैं, बाय बाय। अंकिता सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप उमेश, सुधीर, ब्रजेश, चलिए, प्रवीण, वेजिता, नेहा, कल्पना, पूजा, अब्दुल, हकीफ, साफी, रेनू, ठीक। देखिए, अच्छे लोग अच्छे जगह जाएं और बुरे लोग बुरे जगह जाएं, तभी तो अच्छे बुरे में फर्क पता चलेगा, क्योंकि सभी तो शिक्षक बन नहीं सकते ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही बने रहिए आप लोग। रोज 9:30 बजे चलेगी, आप लोग टाइम से अलार्म लगा लीजिए, ठीक है, और अपने साथी मित्रों को भी पहुंचा दीजिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, चलते हैं। अच्छा लगा आपके साथ पढ़कर पढ़ाकर। अविनेश, पंकज, मेश, कुमार, ठीक है, बाय बाय। देखिए आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, और आप लोग के साथ कुछ चमन चूतिया भी आ जाते हैं।
अपनी जाति दिखाने चलते हैं। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बताएं आप लोग जिस दिन सेलेक्ट होकर आएंगे उस दिन आपके माता पिता का नाम कितना रोशन होगा, सोचिए आपके माता पिता पर कितना गर्व करेंगे, कितना अच्छा संस्कार आपको दिया उन्होंने, सोचिए कितना अच्छा संस्कार आपको मिला है। चलते हैं, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।